हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तियाना हिंसा में मारे गए सुमित के पिता ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। गृह मंत्री अमित शाह से की तियाना हिंसा की सीबीआई जांच कराने की मांग। मांग नहीं माने जाने पर सुमित के पिता ने 23 दिसंबर यानी किसान दिवस पर आमरण अनशन की दी चेतावनी। देखिए, मैंने गृह मंत्री जी को एक प्रार्थना पत्र ज्ञापन रूप में लिखा है और उनको मैंने अपनी आप बीती सारी कहानी उसमें लिखी है और सीबीआई की मांग है उसमें मेरी केवल जी। यदि वो सीबीआई की मांग मेरी 20 दिन में 21 दिन में पूरी होती है तो बहुत अच्छी बात है और मुझे कुछ विश्वास भी है। मैंने विश्वास के साथ भी लिखा है कि शायद वो मेरी सुनेंगे। लोग तारीफ करते हैं उनकी कि अच्छे आदमी हैं, नहीं तो मैं फिर 23 दिसंबर किसान दिवस के दिन अनिश्चितकाल के लिए आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। सुमित के पिता ने परिवार का हवाला देते हुए की आर्थिक मदद की मांग। सुमित के पिता ने पुलिस प्रशासन पर लगाया धमकाने और नजर बंद रखने का आरोप। 3 दिसंबर को सियाना के चिंगरावठी में गौकशी के विरोध में हुई थी हिंसा। हिंसा में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर और ग्रामीण सुमित की गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।